أبا عبد الله يا أبا عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. हम
उसको आगे बढ़ाते हैं। कल हमने कहा छोड़ा था अबान इब्ने तुगलक के जिक्र पर। कौन अबान इब्ने तुगलक भी है, तुगलक भी है, परेशानी की बात नहीं। छठे इमाम का शागिर्द सहाबी, इतनी सफा उसको इस सफा उसके इल्म को पहुंचा दिया इमाम ने कि इमाम हुक्म दे रहे अपने सामने। अरे भाई जो कुछ इससे बात करो, जब हम आपसे बात करें इसको जेल कर लिया तो मुझे जेल कर दिया।
उस
सोर्स है जिसकी फॉर्म वहां से भी इल्म को लेकर आ जाए, यानी इल्म के प्यासे। जनाबे सरदारे फारसी इल्म के प्यासे थे ना भाई, उनकी उम्र के बारे में बहस है, 100 साल से ज्यादा तो बताई गई है, कोई ज्यादा 180 साल, कोई ज्यादा 150 साल, जो भी थी यही मान। लेकिन ये सब तो मालूम क्या, अस्फहान के बहुत बड़े सरमायादार घराने के बेटे थे, और बाप कौन था, कलीसा का खिदमतगुजार यानी पादरी। लेकिन एक सच की प्यास की तलाश, दिल नहीं लगा, दिल नहीं माना, ये हक नहीं, सफर किया किया, एक जगह जाते थे वहां से सीखा, वहां जाते थे वहां से सीखा, बस घूम रहे, फिर आखिर में शाम पहुंचे हैं, तो शाम में जिस राह के पास थे, जिस कलीसा में थे, उसने बशारत दी थी, सिखा मैं कहा जाऊं, मुझे मर रहा है, तू तो दुनिया से लड़ा, अब मैं कहा जाऊं, मुझे तो मर रहा, कहीं इंतजार कर, जब तुझे ये खबर मिले यसरब की तरफ से, जब तुझे ये खबर मिले हिजाज की तरफ से कि कोई आया है, उसने नबूवत का दावा किया, तो याद रख दो निशानियां बता रहा, ये दो निशानियां उसने पाना, बस उसका ईमान ले आना, वही आखिरी नबी है। पहली चीज क्या है, सदका कबूल नहीं करेगा, मुहर बताए इस शान पर मुहर होगी, सदका कबूल नहीं करेगा, हदिया कबूल कर लेगा। तो कितने अर्से बाद जब हम कहते हैं कि कहां जाए किधर जाए, एक साल हो गया मालूम ही नहीं हो रहा सही क्या है गलत क्या है, अरे भी 10 साल हो गए मालूम ही नहीं हो रहा सही क्या है गलत क्या है। सलमान फारसी को मिसाल बनाया कि हक की तलाश में एक सदी तक सरगर्दा रहा, एक सदी भूलता रहा, हक किधर है, हक किधर है, हक किधर है, आखिर अल्लाह ने उसको पहुंचाया ना, तो गुलाम बताया, जब तक निशानियां नहीं देखूंगा, निशानियां जब तक नहीं देखूंगा, तो दोनों निशानी देखी, सदका दिया, ये सदका है, सदका हम पर हराम है। दूसरे दिन आए हदिया दिया, ये हदिया है, कबूल कर लिया गया, हर बच्चे के चाय को और लोगों में मुस्तहिकों में तकसीम कर दिया गया, मोर एक साल की भी ज्यादा की, ईमान लाया, फिर कैसा ईमान लाए। अब देखिए अहले बैत की पहचान क्या है, जनाब का बेटा अल्लाह से ने वादा किया था कि आपके अहले बैत को बचा लूंगा, और ये वादा भी नहीं आता जाकर, लेकिन जब बेटा भागा पहाड़ की तरफ, ये पहाड़ आपने बचाएगा, ये बड़ा है, ये बड़ी ताकत है, बचा लेगा, तो जनाब ने कहा आपको ही बचाने वाला, वापस आ जा, इधर आ जा, सवार जा कश्ती में, लेकिन जनाब वो नहीं, बीच में मौजे खाई हो गई, तो फौरन रुजू किया, परवरदिगार तेरा वादा था अहल को बचाऊंगा, गुमराहों से मत हो जाना, इन्हों ऐसा भी ना हाल है कि तुम्हारे अहले बैत में से नहीं, अब लोगों ने पता नहीं क्या क्या कैसे से अंबिया मिल गया, खुदा के बंदो ऐसे तो होते नहीं लगा अंबिया पे, नहीं क्या मतलब अहले बैत में से नहीं है, अमल का रिश्ता, बड़ी गली दे देते अमल का रिश्ता, अहले बैत में से नहीं है, क्यों, कि अमल में तुम्हारा मुखालिफ है, जब अमल में मुखालिफ हो गया अहले बैत से खारिज हो गया, दलील क्या है, दलील यह है कि सलमान अजमी है, बढ़कर है।
कुछ करने कराने की जरूरत तो है नहीं, बस मिसाल के तौर पर इतना काफी नहीं के नाम ले रहे बोला और चले जाएंगे। नहीं, अली बता रहे कि अगर मेरे चाहने वाले हो तो मंजिल क्या होनी चाहिए। आपके सामने और अपनी बात की तशरीह करते बड़ी आसानी से मौला फरमाते हैं अल इल्म अस्लु
والجهل اصل كل شر. ان شاء الله آج آپ کو تحفہ دے کے جانے مجھے کنفیوژن ہوتا ہے کبھی کبھی نظرتے ذہن میں مسائل آج بول رہے وہ الجھن آپ کی دور ہو جائے گی کہ قرآن مجید میں جو فرمایا گیا انما یشاء من عباده العلماء تو بس اللہ کے بندوں میں اللہ کا خوف رکھنے والے کون ہیں علماء تو دیکھتے ہیں ہم کیسے کیسے مولوی کا آپ ہوتے بھائی وہ کیا بات مجھے تو شیطان بھی بنا مانتا نہیں ایسے ایسے ملا اور ہماری تو ماشاء اللہ لیبارٹری ہے پاکستان ہر قسم کا موضوع سنتا روز آنا ایک نیا نیا آئٹم سامنے آتا ہے دنیا میں سب جگہ کی بات ہے کوئی ایک نہ کسی کو گزارا کر کے چڑھتا نہیں اس اللہ تو سب کی بات کر رہے ہیں ہر جگہ ہے کہ نہیں ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا کرتا ایک ہے بدنامی کا سب کی بھائی دنیا میں ہوتا ہے اچھا اس میں کچھ جھوٹ بھی ہوتا ہے کچھ سچ بھی ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ بولے آج کل آپ کو معلوم کسی کے پیچھے کچھ بھی لگا لو اور فیک بھی آج کل دیکھیے بہت ہوشیار رہے گا ایک تو جو ہے نا کیا کہتے ہیں موتوں کو کیا کہتے ہیں خاص اس طرح سے لپ بول کے کہلاتے ہیں وہ چل رہا ہے ایک بنا دیا جاتا ہے آواز کسی کی تصویر کسی کی ہوٹل میں بول پوچھ رہا ہے حالانکہ پیچھے سے کوئی اور ہوتا ہے دوسرے تصویر کہیں گی خبر کہیں گی تصویر کہیں گی خبر کہیں گی تصویر بائک کو میں نے پہچانا تو چار سال پرانی میں بھی کہا ہوا کوئی جھگڑا نہیں ہوا لیکن جب یہ ایام آتے ہیں رمضان آئے گا محرم آئے گا تو یہ سارا کام سوشل میڈیا میں چل رہا ہے بہت خوشی ہے بے سانس بھی آہ سانس کہ نازک ہے بہت کام آپ آپ کی سکار کہیں شیشہ رہے سمجھا نہیں بات بچوں کو خاص طور پر قرآن قرآن کا قرآن جذبات نہیں یہ کیا ہو یہ کیا ہو رہا ہے نہیں دیکھو تو صحیح ہے کیا پہلے معاملے تک میں خود تصدیق تو کرو یہ شیطانی کام ہو رہے نا سارے بھائی اب بتائے اور ایک نیا دھیان موسم مجھے ہے بچہ موسم مجھے شر علم کی بنیاد علم کس کی بنیاد ہے جہاں بھی نیکی نظر آئے سمجھ لو کہ اس کی بنیاد علم پر ہے علم و اصل و کل لے ہے بنیاد اس کی ابھی بنیاد جب ہر نیکی کی جڑ کیا ہے علم جہاں بھی نیکی جہاں بھی خیر ہوگی وہاں کیا ہوگا علم بل جہل و اصل و کل لے شر جہاں بھی شر نظر آئے فتنہ نظر آئے فساد نظر آئے سمجھ لو کہ اس کی بنیاد کس پر ہے جہالت کس پر ہے سمجھ میں یہ قول ہے ترجمہ کیا لیکن دیکھیے مولا کا قول ہے میں نے حکم کر دیا آپ نے حکم کر دیا لیکن سوال کرنے والا تو سوال کرے گا آپ چاہیں یا نہ چاہیں کرے گا نا سوال ابھی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جہاں بھی نیکی نظر آ جائے علم کی وجہ سے اور جہاں بھی بدی نظر آئے جہل کی وجہ سے ایسے ہی نا جہاں بھی شر نظر آئے فتنہ مزاق برائی جہالت کی وجہ سے ہوگا دنیا میں انصاف سے بتائیے جتنا بھی فساد ہوگا یہ پڑھے لکھے بنا رہے ہیں کہ جاہل بنا رہے کون کر رہا یہ بندو جاہل تو اس کے پیچھے آتا ہے ابھی کوئی صدر میں جا کے کھڑا ہو جائے بیچارا ریڈیو والا آواز لگائے حالانکہ صحیح بات بھی کرو آواز آؤ تو کتنا کہتے جاتے ہیں پہنچ جائے کوئی بھی نہیں آئے جاہل آدمی تو کیا مانا لیکن کوئی بھی پڑھا لکھا کوئی سیاسی رہنما کوئی مذہبی جگاتری ہے نا وہ اگر پہنچ جائے کسی تھانے کے باہر 150 آدمی لے کے تھانہ بھی ہل جائے گا جس تھانے سے پورا علاقہ ہلتا ہے اگر ملا 150 بندے لے کے وہ آدمی لے کے پہنچ جائے گا بندے بندے لے کے کیونکہ جاتا ہے پر پنجاب آدمی سے معاف کرنے گا پولیس بنا کر بے دھیان میں نکل جائے میرے دوسرے زبان سے آ رہے کہ احتیاط تو بہت کرنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن اگر پوری زندگی باہر گزر جانی تو میں کیا کروں گا سلامات دیکھیے محمد آگے محمد پڑھے لکھے ہیں کہ جائے گا پڑھے لکھے ہیں نا جب تک قرآن کی آیات میں سنائے گا وہ گواہ کیسے
छोटे कुमार लिख कर कब्जा कर रहे हैं, इस्तेहसाल कर रहे हैं, एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, ये पढ़े लिखे कर रहे हैं, जाहिल कर रहे हैं। जिन जितनी दुनिया की सुपर ताकतें अपने आप को कहते हैं शैतानी ताकतें, ये पढ़े लिखे ना, साइंस इनके पास, टेक्नोलॉजी इनके पास, पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच गए, बकौल उनके अब सभी आगे बढ़ रहा हमें से क्या बढ़, लेकिन है पढ़े लिखे। तो आप कहें कि जनाब बुराई की जड़ जो है वो जहल, या तो जितना इल्म बढ़ रहा है उतना फसाद बढ़ रहा है, ऐसे ही है ना भाई, जितना इल्म बढ़ता जा रहा है उतना फसाद भी बढ़ता है, मैंने कर दिया जाहिल भी नहीं भूल जाता है, चाहे वो सियासी पढ़ा लिखा हो चाहे वो मजहबी पढ़ा लिखा हो। अब आपको बताएं, वैसे सियासी पढ़े लिखे की हकीकत तो आहिस्ता आहिस्ता खुली गई आपके, है ना, इनमें पढ़ा लिखा माशाल्लाह कोई है ही नहीं, ये हमें तसल्ली, ये हमें तसल्ली कम से कम वैसे भी ये जाहिल ही है सारे सारे, अल्हम्दुलिल्लाह। बाहर तो पढ़े लिखे जाहिल है ना, ये अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही जाहिल है सारे, सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद। अब मुझे नहीं मालूम निशान बदल गया हो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ हम
पढ़ते थे शुरू में, छोटे थे जब दिमाग पढ़ने शुरू की थी तो पहली थी वो किताबें अभी हैं, लेकिन निष्काफ आप जानते हैं कि अब जल्दी फल गया हो गया तो नहीं मान, लेकिन वो हदीस तो मालूम थे ना, हदीस तो बता, उस पहली हदीस में इल्म की तारीफ बयान की गई है। क्या बयान किया गया है? सबके लिए इल्म की तारीफ, इल्म है क्या? और यहां से शुरू की जाती है इल्म की तारीफ। कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकी तारीफ यह है कि अल्लाह की मारिफत, इसकी मारिफत अल्लाह की मारिफत। अब यहां ये नहीं बताएंगे कुरान इल्म है, हदीस इल्म है, तारीफ नहीं है। अब उन्हें इल्म है मारिफतुल जब्बार, इनका आगाज यह है मारिफतुल जब्बार, यानी जो इल्म भी हासिल करना शुरू करो खौफ खुदा के साथ। किसके साथ? कमाने के लिए नहीं, इन्वेस्टमेंट नहीं है ये, जो आजकल हो रही इतना लगाओ और इतना निकालो, इतने साल में इतना खर्च हुआ, अभी एटीएम मशीन कितनी देर में देगी वापस ये देखना है ना। अब बच्चों को एटीएम मशीन बनाया जा रहा है, इसमें कितनी आमदनी, उसमें कितनी आमदनी, उसमें कितनी आमदनी, उसमें कितनी आमदनी, तरबियत कहाँ गई, कहाँ खो गई? बुजुर्ग बैठे हैं गवाही देंगे ना, किताब से ज्यादा उस्ताद खड़े होकर जो लेक्चर देता था, जो बातें करता था, वो तरबियत करती थी हमारी। इल्म के साथ साथ तालीम करने के इसलिए कहा जाता था, अब पढ़ा रहे किताबें पढ़ा रहे, पास होने के लिए पढ़ा रहे, ये पढ़ो ये बनोगे, ये पढ़ो ये बनोगे, इसमें इतना खर्चा है, इसमें इतना खर्चा है, इसमें इतना खर्चा, माँ बाप भी लगे 50,000, स्कूल के भी दे, यूनिवर्सिटी के भी दे, कॉलेज के भी दे, 10,000 एक सब्जेक्ट के लिए, तो कोई बात नहीं, लिखते जा। क्या खौफ खुदा नहीं रहा ना? वही इल्म है, चाहे कुरान का पढ़ ले, हदीस पढ़ ले, इल्म क्या है? अगर खुदा की मारिफत के साथ पढ़ रहा हो तो एक भी साइंसदान भी बनेगा ना, तो अल्लाह के खौफ के साथ बनेगा कि नहीं, इंसानों पे जुल्म नहीं करना है, इंसानों को मारने के, इसीलिए वो उलमा यही हमेशा ऐलान करते हैं कि ये हो नहीं सकता कि इंसानी आबादी को कभी ये हथियार इस्तेमाल किया जाए, किसी भी हाल में जाए अल्लाह का खौफ, अल्लाह के खौफ के साथ कोई भी हासिल नहीं है। और अल्लाह के खौफ को निकाल दो, जब अल्लाह का खौफ निकल गया कुछ भी हासिल कर ले, जब अल्लाह का खौफ नहीं होगा तो सिर्फ जहली जहल इल्म नहीं है। अल्लाह का, अच्छा बताइए, जहां अल्लाह का खौफ होगा वहां जुल्म होगा, जहां अल्लाह का खौफ होगा वहां कत्लो वारदगी होगी, जहां अल्लाह का खौफ होगा वहां फितनो फसाद होगा, जहां अल्लाह का खौफ होगा वहां इंसानी जान का एहतराम होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो बस इल्म क्या है? अल्लाह के खौफ का नाम इल्म है। जहां भी अल्लाह का खौफ है बेशक अपना नुकसान होता है हो जाए, लेकिन ऐसा ना हो कि मेरा रब नाराज हो जाए। मैं आपसे पूछता हूं, अभी हल कर दिया मैंने मसले को, हल कर दिया अगर चाहिए जरा समझ के लिहाज के लिए, ये मतलब इन्होंने बयान किया आप बोलते, लेकिन फिर भी चलिए और आसान कर, अच्छा इंसाफ से बताइए कितने बेगुनाह लोगों के इतनी बेदर्दी से कत्ल किया गया कि उनको टुकड़े टुकड़े किया गया है ना, हमारे मोमिन उनको जलाया गया, यहाँ तक कि औरतों बच्चों के साथ जो सलूक किया गया, खवातीन के पेट चाक किए गए, बच्चों को निकाल के गोलियां मारी गई, ऐसा हुआ सब कुछ हुआ। अच्छा एक बात बताइए, अगर कभी आपको गलबा मिल जाए आप उनके औरतों बच्चों के साथ ही कर सकते, कर सकते नहीं ना? क्यों? बस यही फर्क है, समझ में आ गई बात? जहां भी अहले बैत की मोहब्बत होगी वहां ये खुदा का खौफ होगा कि कितने बड़ा दुश्मन हो, हत्ता कि जिन लोगों ने कलेजे छपाए अल्लाह के रसूल जब उन पर गलबा आया उनको माफ कर, हालांकि ये जरूर कहते थे कि मेरे सामने मत आना, मैं देखूंगा नहीं, क्योंकि जब देखूंगा मुझे कुछ याद आ जाए, समझ गए ना, मुझे कुछ याद आ जाए। कलेजे छपाने वालों को अल्लाह के रसूल ने माफ किया कि नहीं किया? नहीं कर सकते ना, आप नहीं कर सकते, क्यों? इल्म है, किस बात का इल्म है? वो खौफ है खुदा का इल्म, नहीं ये नहीं किया जा सकता, कितना ही बदतरीन दुश्मन, इसीलिए अल्लाह ने इंतजाम किया
बनी उमैया पर बनी अब्बास को मुसल्लत किया। किसको मुसल्लत किया? बनी अब्बास, ताकि दुनिया में भी मोतरा जायदा तो चक्कर ना, जो उन्होंने किया आप नहीं कर सकते थे, वो भी नहीं कर सकते थे। पर आज भी ऐसा होता है, कभी कभी मशीयत दिखाती है जब जालिम से जालिम टकराता है।
कनीज कनीज बना के बाजारों में बेचा। दुनिया ने देखा कि हजरत इस्लाम के वारिस कौन है, देखा कि नहीं देखा? या सदियों का बोस, कभी ये वाकयात आपने यहाँ के अखबार में पढ़े, कभी मीडिया में पढ़े, मीडिया में पेश किए गए, यही तो बोस खत्म होने का नाम नहीं है। यही किया था ना आगे इस तारीख के ऊपर दिया था ना, हुक्म दिया था ना, जाओ खरीदो और इसी एहसान का शुक्रिया अदा कर दे। दुनिया ने, सारी दुनिया ने देखा कि दुनिया जाती थी बैठी कर, हमारे बड़े बड़े मौलवी गए वहां, दुनिया भर के बैठी कर सिटी, उन पतली पतली गलियों का और एक बेंच पर, वरना तो जमीन पर बैठ करके मेहमान की खातिर, मेहमान के घुटनों में दर्द था, मेहमान जमीन पर नहीं बैठ सकता था, इसलिए बेंच रखी गई ताकि मेहमान कुर्सी पर बैठ जाए। उस पतली पतली गली दुनिया में देखा ये है। अब मुझे बताइए खुदा की कसम, जब इन अली के वारिसों से अइमा के नाइबी तो फिर बुरा बुरा कहेगा, जिगर छली होगा कि नहीं? नन्ही सी जबान खोल के शुरू हो जाता तो भी सोचा कि वो सिवाय इज्जत के तुम्हें कुछ भी नहीं देते, तुमसे कुछ नहीं देते, इज्जत देते, इज्जत इज्जत। दुनिया की कौमों में बता रहे हैं कि कौन है अली वाले, कौन है ये हुसैन वाले, आलम एहसान वाले, शुक्रिया अदा कर रहे हैं। फिर उससे मालूम हुआ कि ये फर्क है, ये फर्क है इस्लाम में, वो अलग है दहशत गर्दों का टोला और हकीकी इस्लाम अलग है। उस वक्त यही था, उस वक्त यही था, सबको हुसैन ने भेज दिया, भेजा एक शख्स को खत लिखा, मेरे हुसैन इब्ने अली इब्ने अबी तालिब इला रजुल फकीह हबीब इब्ने मुसाहिब رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ حسین ابن علی ابن ابی طالب کی طرف سے رجل فقیح مرد فقیح معصوم لکھ رہا ہے، حسین لکھ رہا ہے، معصوم مبالغہ کرے گا؟ معصوم ایسے کسی کو کچھ کرنے کے لیے کچھ کہہ دے گا ہماری طرح؟ نہیں، معصوم نے جو لکھ دیا اس کو لکھ دیا، ان حسین ابن علی ابن ابی طالب الى رجل فقیح حبیب ابن رجل فقیح، جسے حسین فقیح لکھ رہا ہو اس کے فقاہت کا کیا عالم ہوگا، وہ کتنا بڑا عالم ہوگا جسے حسین کہہ رہا ہے فقیح فقیح ہے، سب کو واپس بھیجنے والا حسین بتا رہا ہے کربلا میں پہنچا، ان 700 مفتیوں کو مت دیکھنا جنہوں نے قتل حسین کا فتوا دیا تھا، فقیح کو دیکھنا ہے تو اسے فقیح کو دیکھنا جو ساری زنجیریں ہیں ساری پابندیاں توڑ کر حسین کی بارگاہ میں پہنچ گیا، حافظ دین ہی کی تصویر بن کر حفاظت کرنی ہے دین کی، دین کی خاطر لڑنا ہے۔ حبیب ابن مظاہر کے ان کا کیا نمبر، حبیب ابن مظاہر آپ سے زیادہ خط میں لکھ رہے ہیں، فانت تعلم قرار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تم جانتے ہو رسول خدا سے ہماری قرابت کیا اور تم سے زیادہ کون جان سکتا ہے، تمہارے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہمارے منصب، اور اللہ تمہیں جزا دے گا قیامت کے دن اس پیج کی، تم اور جان تمہیں ہماری نصرت ہے، کیوں بلایا سب کو واپس بھیجنے والے حسین، صرف اس لیے بلایا تاکہ قیامت تک پہچان ہو جائے کہ فقیح وہ ہوتا ہے کہ جب حالات سخت ہوں جب اسلام پر وقت آئے، ملت اسلامیہ پر وقت آئے تو میدان میں کھڑا ہوتا ہے عبادت کے لیے، کوئی ساتھ دے یا نہ، کوئی ساتھ دے یا نہ دے وہ میدان میں کھڑا لڑ رہا، اس لیے بتایا بڑی پابندیاں تھی، حبیب خط بھیجنے والوں نے خط بھیجا تھا امام کو، لیکن جب کوفے نے نظریں پھیری حبیب چھپ گئے، یعنی اپنے آپ کو بالکل خاموشی سے الگ کر لیا، ڈر گئے نہیں، حبیب جانتے کہ میں نے خط لکھا اور حسین آئی ایسا نہ ہو میں قید ہو جاؤں
और हुसैन की मदद के लिए ना जा सकते। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने ये अवर एग्जाम दिया था, अपने आप को पोशीदा किया था, क्यों? ताकि जब हुसैन पहुंचे तो हम भी पहुंचे। मैंने किताब में तकरीर में से अक्सर का जिक्र कर दिया जो बाद में इसका अंदाज में पहुंचे थे, और कुछ तो शामिल हो गए थे लश्कर के सारे साथ बधाए उसके थे उसके साथ से, जैसे कर्बला पहुंचे इधर से निकले हुसैन तक पहुंचे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कई लोग, मैं सबके बारे में लिख चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बस हबीब ने पूछा जब मेरा मौला आएगा जाना है, हर हाल में जाना है, गिरफ्तार नहीं होना है, अपने आप को बचा के रखना। उधर हुसैन कलश कर चुका कर्बला पहुंच गए, सानी जहरा देख रही है कि एक के बाद एक रिसाला, एक के बाद एक दस्ता आता चल रहा है, आता चल रहा है। जो दस्ता आता था उसको हुक्म होता था कि खेमों के सामने से गुजरो। जब वो घोड़े को आते और गुजरते थे बच्चे बीवियां परेशान होते थे ना, इतना बड़ा लश्कर था, हजारों का लश्कर जमा हो गया। ये मौका है जब सानी जहरा ने पैगाम भेजा था, या आपके भी तो बहुत सारे दोस्त हैं, आप भी तो किसी को खत, तो हुसैन ने चंद खत लिखे थे, सब गायब थे, बसरे में थे। यजीद ने सभी के अंसारी अपने दो बेटों और चार और दीगर अफराद के साथ सात अफराद के साथ उधर फिर पहुंचा और यहाँ शहीद हुआ, सबका जिक्र। लेकिन ये क्योंकि मरकजी किताब है इसलिए इनमें से एक एक का जिक्र किया जाता है, याद रखिए। सिर्फ उर नहीं आया था और भी आए थे, लेकिन उर क्योंकि मरकजी किताब है, सरदार था, इसके उसका जिक्र ज्यादा आता है। तो ऐसे जनाब हबीब ने बताया कि मैं फकीह कूफा, क्या है फकीह कूफा हबीब ने बताया। अच्छा खत लिखा, ये गुलाब को रवाना किया बसरा, एक को रवाना किया कूफे, वो रास्ता बना पहुंचा, घर में पहुंचा जनाब हबीब। मालूम हुआ कि बाजार गए, एक हजार में बाजार में तलाश गए, दुकान में मिल गए। सरगोशी ने अंदाज में करीब जाके कहा अना कासिदुल हुसैन सलाम, और इशारा किया एक गोशे में जाने का। गोशे में गए, क्या मसला है, क्या पैगाम है? उसने अपने लिबास में छुपा हुआ खत निकाला, दे दिया हाथ खत पड़ा हबीब ने, तफक्कुरात पेशानी के बल पड़ गया। अच्छा दूसरे रास्ते से मेरे घर पहुंच, मैं भी जाऊँ। घर पहुंचे जॉर्जा दस्तरखान बिछाए बैठी है, हबीब आएगा खाना खाएंगे। हबीब मेरे मौला का कासिद आया था, खैर तो है ना? हबीब परेशान, हबीब परेशान। इससे पहले जब भी मौला का कासिद आता तो थोड़ा खुश होता था, परेशान लग रहा है, मसला क्या? तो मोमिना बात ही ऐसी, बात ही ऐसी, परेशान क्या बात है? तो मोमिना हुसैन का खत आया कि मैं कर्बला में दुश्मनों के नरमे में आ गया, जितनी जल्द हो सके मेरी मदद की। सोचने हैरान करता, फिर क्या सोच रहा है? क्या सोचता हूँ, जाऊँ के ना जाऊँ, सबने तो साथ छोड़ दिया, मैं अकेला क्या करूँगा? यही आप और
नहीं आया तो मैं तुम पे सवार होकर फर्जंद रसूल की मदद के लिए था। आसमान की तरफ देख कर कहता है हबीब बारे लाहा आले रसूल में ये कैसा वक्त आ गया। बोला आप पाँव पर सबकत कर रहे हैं, गले से लगा कि दुआ दी खुदा तुझे जजाए खैर दे, रास्ता बताने में देर हो गई। अल्लाह हो सकता है तो सही फुकारे बना जाते। अब आइए करबला के मैदान में फजर की नमाज अदा की जाए, रात भर का घोड़ों पर फासला होता है कूफे में करबला करता है नमाज अदा की, और हुसैन खेमों के बाहर भी मस्जिद बिछाती के बैठे झुरमुट में अपने अंसार के झुरमुट में बैठे, और एक खास शख्स में हुसैन की निगाहें सब देख रहे हैं, हुसैन इंतजार कर रहे किसी का कूफे से आने वाले रास्ते की तरफ निगाहें। अचानक घर तो गुबार नमदार हुआ, हुसैन के लबों में सदा आई अल्लाह। से लगा के कहा मेरे मौला